हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों, आज का क्लास जो है वो रीजनिंग का है। ठीक है, रीजनिंग का आज फर्स्ट क्लास है, जो कि आज फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सामने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये इस कोड का मतलब क्या है। ठीक है, इस कोड का मतलब आखिर है क्या। ठीक है, इसके बाद में हम क्वेश्चन पे सेट करके इसके बाद में हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर। तो सबसे पहले हम कोड को समझते हैं। ठीक है, कि आखिर इस कोड का मतलब क्या है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है महीना। ठीक है, महीना यानी मंथ का नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक। और यहाँ पे दिया गया है कि जनवरी का कोड 0 या 6। ठीक है, 0 या 6, यहाँ पे दो कोड है, 0 या 6। तो आगे हम बताएंगे कि 0 या 6 या फिर 3 या 2 क्या है। ठीक है ना, तो 0 या 6 है, फरवरी का 3 या 2 है, उसी तरह मार्च का 3 है, अप्रैल का 6 है। ठीक है, इसी तरह दिसंबर तक यहाँ पे कोड लिखा गया है। तो सबसे पहले आप लोग को इस कोड को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोड याद रहेगा तो बिना पेन और पेपर का भी आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं सेकंड में। ठीक है, तो आप लोग इस कोड को याद कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का कोड। ठीक है, यहाँ पे वीकली कोड। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, वीकली कोड, साप्ताहिक का कोड दिया गया है। और इसके बाद में इधर शताब्दी, शताब्दी आप लोग समझते होंगे, जैसे 1600 शताब्दी का क्या हो जाएगा, 6, 1700 शताब्दी का 4, 1800 शताब्दी का 2, 1900 शताब्दी का 0 और 2000 शताब्दी का 6 हो जाएगा कोड। ठीक है, देखिए शताब्दी, जैसे कि मान लीजिए 1947। ठीक है, 1947 ईस्वी है, तो यहाँ पे शताब्दी कितना हो जाएगा, 1947 में शताब्दी कौन सा होगा, तो 1900 हो जाएगा इसका शताब्दी। ठीक है, 1900 क्या हो जाएगा इसका शताब्दी। अगर मान लीजिए 1602 है, 1602 ईस्वी, तो 1602 ईस्वी में क्या इसका शताब्दी हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा इसका क्या शताब्दी। ठीक है, 1600 शताब्दी हो जाएगा। अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 का क्या शताब्दी होगा, 2021 का क्या हो जाएगा शताब्दी, इसका कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2000। 2021 चल रहा है, यानी कि 21वीं सदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 या 6। ठीक है, 6 और 2, 6 और 2 को कब यूज करना है। ठीक है, 0 और 3 तो है, ठीक है, नॉर्मल है, जनरल वाला में ये सब यूज हो जाएगा, लेकिन 6 और 2 है, 6 और 2 जो है वो जब लीप ईयर रहता है तब। ठीक है, लीप ईयर रहेगा और माह का नाम रहेगा जनवरी या फिर फरवरी महीना रहेगा, और वो साल लीप ईयर रहेगा, तो हम 6 या फिर 2 का यूज करेंगे। जैसे जनवरी में, जनवरी 2016, ठीक है, जनवरी 2016, तो लीप ईयर, हम बोले लीप ईयर कैसे मालूम करेंगे, तो लीप ईयर जो 4 से कट जाएगा पूरा पूरा जो साल, उसको कहते हैं क्या, लीप ईयर। जैसे ये देखिए, ये तो कट गया 16, 4 चौके 16, ये क्या है, 2016 क्या है, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये क्या है, लीप ईयर। और यहाँ पे क्या महीना कौन सा है, मंथ जनवरी, तो इसलिए हम 0 यूज ना करके 6 हम यूज करेंगे। ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 लिखेंगे। उसी तरह फरवरी में है, अगर यहाँ पे फरवरी रहता, फरवरी 2016 है, 2020 रहता, ठीक है, फरवरी 2020 रहता, तो फरवरी 2020 भी क्या है, 4 से कट जा रहा है, तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, 2, 3 यूज नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, तो 6 और 2 किसके लिए यूज होगा यहाँ पे, आपको लीप ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीप ईयर। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक सूत्र लिखेंगे, आप लोग उसको समझिएगा, ऐसे हम उसको फिर उदाहरण पे, हम उस फार्मूला पे पुट अप करके बताएंगे। डेट प्लस मंथ प्लस लीप ईयर प्लस शताब्दी
बटा सात। देखिए यहाँ पे क्या है, डेट मंथ यहाँ पे छूट गया, ईयर ईयर हो गया यहाँ पे, ईयर प्लस लीप ईयर, ठीक है, डेट मंथ ईयर प्लस लीप ईयर, इसके बाद में शताब्दी और बटा में नीचे क्या हो जाएगा सात, ठीक है, डेट मंथ लीप ईयर, डेट मंथ ईयर इसके बाद लीप ईयर प्लस शताब्दी बटा सात, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे कि जैसे आज है कितना तारीख, आज है 28 तारीख, ठीक है, 28 तारीख है आज, महीना कौन सा है फरवरी, 28 फरवरी 2021, ठीक है, 28 फरवरी 2021 का कौन सा दिन था, ठीक है, 28 फरवरी 2021 का कौन सा दिन था, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इस फार्मूला पे पुटअप करेंगे और बन जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे 28 फरवरी यानी कि डेट है यहाँ पे दिया गया है, मंथ है फरवरी, और यहाँ पे देखिए फरवरी में क्या है, लीप ईयर वाला भी यहाँ पे है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2021 जो है साल वो चार से कट रहा है कि नहीं, अगर ये चार से कट जाएगा तो छः इसका दो होगा यूज कोड फरवरी का, अगर चार से नहीं कटेगा तो इसका कोड कितना हो जाएगा तीन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ईयर, इसके बाद में लीप ईयर, ठीक है। देखिए लीप ईयर निकालने के लिए जैसे यहाँ पे साल का अंतिम वाला दो अंक लेंगे, ठीक है, साल का अंतिम वाला दो अंक लेंगे, कितना है यहाँ पे दो अंक 21 है, ठीक है, कितना है दो अंक 21 है, तो चार से हम भाग देंगे 21 में, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, चार से हम भाग देंगे 21 में तो कितना आ गया 20, ठीक है, एक बच गया शेष, तो यहाँ जो भागफल आएगा, भागफल उसी को क्या लिखेंगे यहाँ हम लीप ईयर में, भागफल को लिखेंगे हम लीप ईयर में, ठीक है, भागफल को क्या लिखेंगे हम लीप ईयर में, यानी कि 5 को आ जाएगा कहाँ लीप ईयर में, और शताब्दी 2021 यानी कि 2000, ठीक है, 2021 यानी कि 2000 शताब्दी, तो ये जो 6 है ये कोड यहाँ पे आ जाएगा शताब्दी के पास। अब देखिए इसको हम पुट करते हैं फार्मूला पे, आज डेट यानी कि 28 तारीख, 28 प्लस मंथ यानी फरवरी, और ये चार से पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए कौन सा कोड होगा यूज, ये वाला 3, ठीक है, 28 के बाद यहाँ पे 3 मंथ हो गया, इसके बाद ईयर, ईयर कौन सा है 2021 यानी लास्ट वाले लिखाएगा 21 प्लस लीप ईयर, लीप ईयर क्या है इसका, लीप ईयर में 5 प्लस शताब्दी, ठीक है, शताब्दी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला शताब्दी यानी 2000 का कोड कितना है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड, ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे, अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 28 और 3 31 31 और 32 32 और 20 52 52 और 5 57 57 और 6 57 और 6 63 63 बटा 7, इसको काटेंगे तो कट जाएगा 9 बार में, ठीक है, 9 बार में कट गया ये, यानी कि शेष यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, 7 से 63 कट गया 9 बार में, शेष यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे शेष 0, शेष से हमको लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हमको क्या किसी से मतलब है शेष से, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस लास्ट में भाग भाग को काटने के बाद भाग में है 63/7, इसको काटने के बाद अगर शेष से हमको मतलब है, ठीक है, शेष जो शेष में जो भी आएगा उसको हम यहाँ जो वीकली में दिया गया है कोड उससे मिलाएंगे, ठीक है, जो शेष में आएगा उसको वीकली में जो दिया गया है उसको कोड से मिलाएंगे, तो शेष क्या है यहाँ पे 0, 0 देखिए यहाँ पे कहाँ पे है संडे में, ठीक है, संडे में है 0, तो आज 28 फरवरी 2021 के दिन क्या है संडे है, ठीक है, 28 फरवरी 2021 के दिन क्या है आज संडे, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 1997, ठीक है, 5 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था,
5 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था? फटाफट आप लोग कॉपी में हम लोग हमको जल्दी से बताइए कि कौन सा दिन होगा 5 फरवरी 1997 को। पाँच फरवरी 1997 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या लिखे थे, डे डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस शताब्दी बटा 7। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखे थे। तो यहाँ पे डेट कितना है, 5, 5 लिखेंगे। साल कौन सा है, 1997, जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए कौन सा यूज होगा, फरवरी महीना वाला कोड 3 होगा यूज। तो यहाँ पे मंथ में लिखेंगे 3। ईयर कौन सा है, 1997, तो लास्ट वाला 2 डिजिट वाला लिखेंगे, 97 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर 97 को भाग देंगे लीप ईयर निकालने के लिए, 4 से 97 में जो लास्ट 2 डिजिट है उसमें भाग देंगे। यहाँ पे 24 चौके 96 कितना गया, 24। ठीक है, 24 भागफल, यानी लीप ईयर को हम, लीप ईयर निकालने के लिए हमको किससे मतलब है, भागफल से। ठीक है, लीप ईयर जब भी निकालेंगे तो हम किस पे निकालेंगे, भागफल पे। भागफल कितना आया हमारा, 24 लीप ईयर निकल गया। इसके बाद है शताब्दी। अब देखिए 1997 को कौन सा शताब्दी है, 1900। तो 1900 में यहाँ पे देखिए कोड, 1900 का कोड क्या है, यहाँ पे 0। ठीक है, 1900 का कोड क्या है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, 0 बटा में 7। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 4 12, 12 7 19 की 9, हाथ में 1 2 1 3, 9 3 12, 129 बटा 7। इसको काटिए, 7 से 129 में भाग लगाइए, 7 एकम 7, 5 9, 7 7 49, 7 8 है 56, यानी 3 शेष आया। ठीक है, और लास्ट में हमको किस चीज़ से मतलब है, शेष से मतलब है। तो शेष कितना आ रहा है इसमें, 3। अब इसमें शेष 3 आया, तो इसको हम मिलाएंगे कि यहाँ पे जो वीकली में जो दिया गया है कोड, साप्ताहिक कोड, उसमें 3 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे है, 3 वेडनेसडे के पास में। ठीक है, कहाँ पे है, वेडनेसडे के पास में, यानी कि 5 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था, बुधवार। ठीक है, वेडनेसडे 5 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था, वेडनेसडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कि अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा और इसका आंसर हमें बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। जिसका भी सही आंसर आएगा सबसे पहले, उसका हम कमेंट में, उसका कमेंट हम पिन करेंगे। ठीक है, आप लोग जितना जल्दी हो सके हमें आंसर बताइएगा इसका। जैसे 7 फरवरी 1996, ठीक है, 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था? ठीक है, ये क्या रहा आप लोग के लिए, HW। ठीक है, 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था? ठीक है, इसका हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। ठीक है, और इसका हम सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में बता देंगे, कल वाला पार्ट 2 में। ठीक है, यह क्या है, पार्ट 1 है, ये कैलेंडर का पार्ट 1 है। हम कल पार्ट 2 वाले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा जवाब इसका। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसा ही वीडियो का अपडेट मिलता रहे।